आजी जो कार्यक्रम है सॉलिडेरिटी एट इंडिया गोटे इंटरनेशनल एनजीओ दिल्ली बेस्ड एनजीओ ता संगे पार्टनरशिप रे आम शरदकर अनिमाकर फाउंडेशन ओडिशा रे कृषक मानक एवं चाष क्षेत्र रे किछि भलो काम करिया पई आज आम प्रतिबद्ध हलु मेमोरांडम एमओयू साइन कलु जहाँ जहाँ कार्यक्रम रही आपण तो जानते विगत 75 वर्ष रे भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार बहुत काम करिसेंती चासी क्षेत्र रे एवं कृषक मानकर बहुत उन्नति भी घटी किंतु आमे फील कलु जे बहुत एरिया रे बेबी हैरान रे रहउचंती फार्मर माने तो आमे चाहूचु एही प्रोजेक्ट माध्यम रे नुआ टेक्नोलॉजी महिला सशक्तिकरण एही सब इंट्रोड्यूस करिबु फार्मिंग सेक्टर रे दुईटा डिस्ट्रिक्ट उपरे फोकस रहइबो कटक एवं केंद्रापड़ा सेठी आमे कोन करिबु गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करिकि फार्मर मानकु ट्रेनिंग देबु ट्रेनिंग देले से माने नुआ टेक्नोलॉजी को व्यवहार कर परिबे आजिका दिन रे से माने से ट्रेनिंग पाई नाहंती तेनु करे सेटा आमे करिबु महिला मानकु आगु को आनी कि फार्मिंग रे तंको आउरी एक्टिवली इन्वॉल्व करिबु ए सबरो उद्देश्य खाली या जे फार्मर मानकर उत्पादन बढ़िबो तंकर आय बढ़िबो एवं तंकर जो भले से माने जीवन जापन करछन ताधर उन्नति घटिबो आउ गोटे कथा आमे कहियौ चाहौछु जे बिना सरकारी अनुदान नहीं कि आम ये कामटा करा चाहूँ सरकार ऑलरेडी कोटी कोटी टाँग खर्च करुँचंती तो तांकटु पैसा आनिकी लगे मत लगे सेटार किसी बेनिफिट हेनी आम चाहूँ प्राइवेट सेक्टर रु एनजीओस ठू रिसोर्स मोबिलाइज करी एथर इन्वेस्ट करूँ एवं फार्मर मानक लाइफ केमती बेटर हम तापी आम चेष्टा करूँ। मेरा नाम शतद्रु चट्टोपाध्याय है। मैं सॉलिडेरिटी नाम का जो एक गैर सरकारी संस्था है और नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखता है उस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। उसमें एशिया रीजन को देखता हूँ और ये करीब 54 साल पुराना संस्था है जो कि और एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी करीब 54 कंट्री में काम करता है। हम लोग उड़ीसा में आके और शरद और अनिमाकर फाउंडेशन के साथ जुड़ते हुए बहुत गौरवित फील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि उड़ीसा जो है अगले इस दशक में इंडिया का फुटबॉल बनने जा रहा है। हालांकि जो प्रयुक्ति आज के दिन में जो इस्तेमाल होता है फार्मर के वहाँ पर वो थोड़े से पुराने धर्म के है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर लाने का, जिसके कारण डिजिटल एग्रीकल्चर को हम लोग उसमें लागू करवा रहे हैं और इसके तहत फार्मर के आय भी बढ़ेगा और यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे। और इसी सूत्र में हम लोग ये कटक और केंद्रपाड़ा रीजन से पहले स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट, दो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट की सोच है हमारा बनाने का। हम लोग आशा करते हैं बहुत जल्दी इसमें करीब 3 से 3.5 लाख लोगों का लाभवान होंगे इस प्रयुक्ति से। थैंक यू।